नमस्कार केजरीवाल भैया। नमस्कार। तुमने कॉल क्यों करी है मेरे पास? 2 मिनट आपसे बात करनी है। आपने क्या बताने के लिए कॉल करी है? 20 साल से शुगर की बीमारी है और मुझे कूड़ा बीनने की बीमारी है। पक्की बात? हाँ सर, मैं इतना गरीब क्यों हूँ? ये ऊपर वाले की कृपा है। आपकी वाइफ मोदी जी से भी तो मिलने गई थी। मेरी वाइफ से मिलने से मना कर दिया। गलत बात है, उनकी मोदी जी को हर किसी से मिलना चाहिए। ये तो कानूनी रूप में अधिकार है। और अगर कोई बार बार मोदी जी से मिलने जाता है तो फिर धीरे धीरे आपकी किडनी खराब होने लग जाती है। और तुमसे बीजेपी क्यों डरती है? हमारे काम की वजह से बीजेपी हमसे डरती है। मोदी जी तुम्हारे खिलाफ है लेकिन उनकी बीबी किसके पास है? मेरे पास। मोदी जी की बहू को तुमने कैसे उठवाया था? इसके लिए बहुत मेहनत की हमने। केजरीवाल, अब मैं करूँगा मोदी जी की बहू से शादी। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। और मैंने तो ये भी सुना है तुम उनकी बहू से कुश्ती में हार गए थे। हार जीत तो लगी रहती है। तुम मोदी जी की बहू की शादी मुझसे क्यों करवा रहे हो? मैं अपनी हार से बचने के लिए। तो मैं नहीं कर रहा, मेरे बस की बात ना है मोदी जी की बहू को संभालना। लानत है तुम्हारे अंत पर। मोदी जी की बहू मुझसे रोज बात करती है। आपका क्या कसूर है? मेरा कसूर ना है तो लोगों का कसूर होगा। लोगों का क्या कसूर है? किसी का कसूर ना है तो मोदी जी की बहू का और मेरा टाका किसने भिड़ाया था? आपके नेताओं ने और आपकी पार्टियों ने। मैं उन सबको बाद में देखूंगा, पहले तुम अपने काम गिनवा दो। आपके पानी का इंतजाम कर दिया। सही करा, दिल्ली को रेगिस्तान बनने से बचा लिया। आपके स्कूल का इंतजाम कर दिया। स्कूल चलो वो मैं टूटवा दूंगा। आपके दवा दारू का इंतजाम कर दिया। दारू का इंतजाम करवा दिया। और अब्बा तेरा शुक्र है। दारू का नहीं, दवा का। और बताओ भैया, मैं अपना वोट किसे दूं? इस बार वोट झाड़ू को दे देना। आप पूछेंगे क्यों? नहीं, मैं क्यों पूछूंगा क्यों? मैं क्या तुम्हें पागल लग रहा हूँ? आपकी उम्मीदों पे खड़े उतरेंगे। मुझे बस तुम इतना बता दो कि झाड़ू को वोट क्यों देना है। अच्छा एक बात बताओ, जब मोदी जी की बहू से बात हो रही थी तब बीजेपी या कांग्रेस काम नहीं आई थी, तब मैं आपके काम आया था। बड़े भाई, मोदी जी की कॉल आ रही है, जरा मैं उनकी भी सुन लूं। जय हिंद। मोदी जी, मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं तुम्हें वोट नहीं दूंगा। ये क्या तरीका है? तुमने बोला था तुम सभी गरीबों को अमीर कर दोगे। वो आपको अपने आप करना पड़ता है जी। अच्छा तुम ये बता दो, तुम प्रधानमंत्री बन के क्या करते हो? गालियाँ खाता हूँ। और तुम्हारे दिल को ठंडक कब मिलती है? दिल्ली सरकार को गालियाँ दे करके। ऐसे केजरीवाल को गाली देना सही नहीं है मोदी जी। ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई? केजरीवाल क्या करेंगे, बेचारे वो तो गरीब आदमी है। बार बार झूठ बोलो। मोदी जी, ये किसने कहा था कि हम गरीबों को भूखा मारेंगे? हमने कहा था। कहा था कि नहीं कहा था? हाँ हाँ कहा था। और जब तुमने ये बात कही थी तो लोग मेरी मजाक उड़ा रहे थे। अगर तुम अगली बार जीत गए तो तुम किसे गाली दोगे? देश की जनता को। हर कोई गरीबों को पैसे देता है, तुमने क्यों नहीं दिए? ये बहुत ही पर्सनल नेचर का सवाल है। नहीं बता दो, तुम गरीबों की मदद क्यों नहीं करते थे? मेरा मन नहीं करता था। इसी वजह से तुमने पूरे देश को बर्बाद कर दिया। ऐसे नहीं, हाथ ऊपर करके पूरी ताकत से बताओ। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि मैं आपको हंसाने के लिए नई नई वीडियो लाता रहता हूँ।